नमस्कार। तो आज आपसे हम रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट देखने वाले हैं। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के पहले यहाँ पे आप लोगों को कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड हो स्ट्रैटेजीज पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे आपको इजी इजी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि बैंक निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी इंट्राडे स्ट्रैटेजीज और यहाँ पे बाकी के पोजिशनल स्ट्रैटेजीज चाहिए तो या इंट्राडे स्ट्रैटेजीज चाहिए तो ईजिली आपको अच्छे एक्यूरेसी 85 to 90% एक्यूरेसी के साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिंक में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन। तो रिलायंस कम्युनिकेशन में ट्रेडिंग थोड़ी सी बंद हो गई थी पिछले वीक में, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले कई दिन, फिर से रिसेंटली देखा जाए तो ट्रेडिंग चालू हो चुकी है, अभी चालू हो चुकी तो फिर से अपर सर्किट लगने भी चालू हो चुके हैं रिलायंस कम्युनिकेशन में। तो रिसेंटली यहाँ पे क्वार्टर के नतीजे भी सामने आए थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। रिलायंस कम्युनिकेशन में काफी गिरावट हो चुकी थी तकरीबन, इसके बाद यहाँ पे रिसेंटली देखा जाए पिछले 2 दिनों से स्टॉक के अंदर इस मंथ के स्टार्टिंग से फिर से अपर सर्किट लगना चालू हो चुका है। जैसे ऊपर जाता है किन की पोजिशन फंसी हुई है उछाल पे निकल जाए, जो कि यहाँ पे अच्छी बात होगी और अच्छे स्टॉक में निवेश भी कर पाओगे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के क्वार्टर के नतीजे की तरफ जाएंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च क्वार्टर की जो नतीजे है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेल्स थे वो 111 करोड़ के सेल्स देखने को मिले थे, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस 80 करोड़ के थे और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 31 करोड़ का, जो कि अच्छा खासा बढ़ चुका था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 28% ऊपर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था, प्रॉफिट में भी आ चुका था रिलायंस कम्युनिकेशन पर। आधा इनकम जो थी वो माइनस में थी, उसके कारण स्टॉक माइनस में जाता हुआ नजर आ चुका है। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कटने के बाद जो है वो स्टॉक का जो प्रॉफिट माइनस में चला लगाया था और टैक्स भी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि आधा इनकम की वजह से स्टॉक माइनस में गया, वो नहीं रहता था तो प्रॉफिट में आ जाती थी रिलायंस कम्युनिकेशन, हल्के से प्रॉफिट में का देखने को मिल जाती थी। तो देख सकते कि इसी के कारण स्टॉक यहाँ पे माइनस में चला गया, EPS भी काफी माइनस में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए।